हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारा जो पीछे लेसन चल रहा था, 8th क्लास, इट्स व्हाट हैपेंड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क, जिसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में देखा है, पढ़ा है। अब पार्ट 2 हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। आप लेसन को देखिए। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपनी बोरी उठाई और वो चल पड़ती है। वो गर्ल्स वह चल पड़ती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, और वेलू जो है वो बेंच पर ही बैठा रहता है। व्हाट शुड ही डू, वो क्या करें। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, और वो सोचता है कि क्या उसे उस लड़की के पीछे चलना चाहिए। वेहर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ ले जाएगी, ऐसा वो वेलू सोचता है। और सी वाज डिसअपियरिंग, डिसअपियर मतलब अदृश्य होना, इनटू द क्राउड मतलब वो भीड़, वह भीड़ में लुप्त हो रही थी। वो जा रही थी तो भीड़ में वो दिखाई देना बंद हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से, तुरंत सा से, माइंड मेकअप इज माइंड यानी निर्णय लेना, इसलिए उसे निर्णय तुरंत करना चाहिए। और ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, वह जो है फैसला लेता है। एनीवे आई हैव नो आइडिया, कि मुझे यह नहीं पता है कि वेहर टू गो, कहाँ जाऊँ। ही जम्पड अप एंड रेन आफ्टर हर, वह उछल कर खड़ा हुआ और उसके पीछे भागता है। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वह मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वह कहाँ है। देखिए आगे, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड। वेलू जो है अपनी वो जो नन्ही लड़की है उसकी उम्र की, उसके पीछे पीछे भीड़ भरी सड़कों से होता हुआ और एक विशाल भवन के पास जो पहुंचता है, बिग बिल्डिंग के पास पहुंचता है। बिहाइंड द बिल्डिंग, और उस भवन के पीछे एक बड़ा जो है गैरबेज है, बिन है, बड़ा गैरबेज मतलब कूड़ा कचरा दान है। और वेलू वंडर्ड वाहे दे आर एट ऑल, वेलू चकित है कि वे वहां किस लिए आए हैं। उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो वहां क्यों आए। ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन, जब वह लड़की स्टेशन से बाहर जा रही थी तो वह उसके पास जो है पहुंच जाता है। वहन दे गॉट टू द रोड, और जब वे सड़क पर पहुंचे तो क्या होता है, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनी वन। जब वो सड़क पर पहुंचे तो वेलू देखता है कि वाहन आते रहते हैं, बड़ा भीड़ भरा इलाका है शहर के अंदर, और वो किसी के लिए भी जो है रुकते नहीं है, नेवर स्टॉप्ड, वो रुकते नहीं है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू, धुआं और जो धूल है, फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइट, सब ओर से धुआं और धूल उस पर जो है उड़ करके जो है आ रही है, और उसका जो है सिर जो है मेकिंग हिज हेड स्पिन, स्पिन मतलब घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, उसका सिर जो है चकरा रहा है। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रो, उन्हें काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वेट मतलब प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर उन्हें भागकर पार करने हेतु जो है खाली जगह मिलती है, फिर उन्हें जो भाग करके उन्हें खाली तो जगह मिलती है। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और वेलू जो है वो झिझकता रहता है, झिझकता रहता है, हेजिटेट होता रहता है, और अंत में लड़की उसे जो खींच करके वो दूसरे किनारे पर जो है वो ले जाती है, अदर साइड मतलब दूसरे किनारे उसको जो है खींच करके ले जाती है। सड़क पार करने में उसे जो है बड़ी झिझकाहट महसूस होती है, हिचकिचाता है वो, लेकिन लड़की उसे जो हाथ पकड़ के दूसरी साइड में उसे ले जाती है। व्हाट डू यू थिंक,
यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउ, गाय चरा रहे हो। ग्रेजिंग मतलब चराना, काउ गाय, वैसे उसको बोलती है। इफ यू स्टैंड राउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, है ना। ये वो कहती है कि यदि तुम इस प्रकार सड़क के बीच में खड़े हो गए तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, है ना। यानी जल्दी से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए था। वेलू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, और वेलू का जो है दिल अभी भी तेजी से भड़क रहा था वो, है ना। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, उसने मुड़ करके सेंट्रल स्टेशन और तेजी से चलती हुई यातायात को देखा। और हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रो दैट, और वे उसमें से कैसे निकलने में सफल हुए, ऐसा वो सोचने लगता है। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, जैसा चित्र में दिखाया गया, हग साइन बोर्ड, और वे सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े जो है साइन बोर्डों के नीचे से चलते हुए चलते गए। वेलू लुकड, वेलू ने देखा अप ऊपर एट द पिक्चर, चित्र को देखा, दृष्टि नाली, बनियंस कार टायर्स, बनियान कार टायर, पेंस, ए वोमेन होल्डिंग बॉक्स, है ना। उसने चित्रों पर नजर डाली जिसमें बनियान है, कार के टायर हैं, पैन है, एक महिला हाथ में जो है डिब्बा लिए हुए है, होल्डिंग ए बॉक्स, एक डिब्बा पकड़े हुए। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और जो है सारी लिखावट है वो अंग्रेजी में थी, सारी लिखावट जो थी इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थी, अंग्रेजी भाषा के अंदर थी। सो ही डिड नॉट नाउ व्हाट इट मीन्ट, इसलिए वह समझ नहीं इसका कि इसका अर्थ क्या है। कहने का मतलब यह है कि वो उसको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आई, जो साइन बोर्डों पे ऊपर पे जो हो वहां जो है सड़क पे जो लगाए गए थे। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज, और जो है लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ी और जो है चलने लगी, वॉकड अप चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू ने रुक कर जंगले के ऊपर से झांका, रेलिंग, रेलिंग मतलब जो जंगला जो रेलिंग थी लगाई हुई थी उसके ऊपर से उसने पुल के ऊपर से झांका। अंडर हिम, नीचे नीचे की तरफ, उसके नीचे सड़क नीचे की तरफ जो है झांका। द रोड रन इन टू द सिटी, जो रोड जो है शहर की तरफ जो है जाता था, नगर की ओर जा रही थी। और वहां से फिर आगे देखिए, इन द डिस्टेंस, वहां से दूर ही कुड सी हग, यानी बहुत बड़ा बिल्डिंग, इमारत, बहुत बड़ी इमारत, एंड एंड टावर एंड मोर रोड, और उसे जो है विशाल भवन, बड़ी बड़ी इमारतें, मीनारें आदि, और जो है अधिक सड़कें जो है नीचे से उसको जो है वो दिखाई दे रही थी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, वह बिल्डिंग देख रहे थे जिसके चारों ओर जो है दीवार थी, वॉल अराउंड इट, इसके चारों ओर दीवार थी। इफ यू आर नॉट केयरफुल, और कहती है कि यदि तुम सावधान न रहे तो तुम यहाँ तो यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर, काउंटिंग बार, काउंटिंग बार मतलब सलाखें, आप सलाखें गिन रहे होंगे, यानी आप जेल में होंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ अलर्टनेस नहीं दिखाई, आप सावधान नहीं हुए, तो यहाँ जेल में आप डाल दिए जाओगे, लड़की ऐसा वेल्लू को कहती है। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए हग बिल्डिंग, लड़की मुस्कुराती है और उसे बड़ी बिल्डिंग की ओर जो है वो संकेत करती है, बड़ी बिल्डिंग की तरफ जो उसको संकेत वो करती है। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू ने दृष्टि तिरछी दृष्टि से देखा और तमिल में नामपट को पढ़ा, केंद्रीय कारावास, सेंट्रल जेल यानी केंद्रीय जेल, केंद्रीय कारावास। वाई, क्यों? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है, वेलू उसको ऐसा कहता है, वेलू उसको ऐसा कहता है कि मैंने तो कोई जो है गलत काम नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट डोंट गेट
कॉट दैट्स ऑल, बस पकड़े ना जाओ, बस बात इतनी है ना। वो उसको जो है ऐसा कहती है, व्हाट डज सी मींस, इसका क्या अभिप्राय है। वेलू सोचने लगा कि उसने ऐसा कहा इसका मतलब क्या है। वेलू वंडर्ड, वेलू जो है वो हैरान होता है, वेलू जो है वंडर्ड, वेलू चकित रहता है कि मीनवाइल्स द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और वेलू जो है हेडिंग डाउन ब्रिज विद द सैक, अपनी बोरी के साथ, ऑन हर शोल्डर, जो उसके कंधे पर होती है। व्हाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या था। वो ऐसा सोचते कि इसके अंदर जो है क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इन टू इट एंड द स्टेशन। और वह इसके अंदर जो है अपनी जो प्लास्टिक के कप्स वगैरह इसके अंदर रखती है एट द स्टेशन, जो उसके अंदर वो होते हैं। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट सैग, व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट सैग, और तुमने बोरी में जो है क्या उठा रखा है। वो ऐसा पूछता है कि बोरी में तुमने क्या उठा रखा है। थिंग्स, वस्तुएं, बॉटल्स, पेपर, क्या बोतलें और कागज है ना। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान होता है, व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, कि वो उनके साथ क्या करती है। व्हाट ही फेल्ट से टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, और दोनों का क्या करेगी, परंतु उसे और प्रश्न पूछने में उसको उससे थोड़ी सी जो उसको साथ जो है झिझक हो रही है। मोर क्वेश्चन उसके करने में जो है वो झिझक हो रही है। इट वाज स्टिल मॉर्निंग, अभी जो है सुबह का समय है। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न्ड, यानी अभी सुबह का समय है लेकिन धूप तारकोल पर आग बरसा रही है, यानी धूप बड़ी तेजी पर है और वेलू के नंगे पांव जो है उसके जो है वो जल रहे होते हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, और वह जो मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं था वो। ही वॉज सॉक्ड विद स्वीट, स्वीट मतलब पसीना, वह पसीने से भीग गया वो। सॉक्ड विद स्वीट, स्वीट मतलब पसीना, पसीने से तरबतर हो गया। ही टायर्ड हार्ट वॉक इन द शेड एंड कीप ऑफ विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने छाया में चलना और लड़की के साथ साथ चलने का जो है प्रयास प्रयास उसने जो है किया। सी वॉक रियली फास्ट, वह वास्तव में तेज चलती थी, वह वास्तव में बहुत चलती थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन कितनी दूर था, और वो सोचने लगा ये जा रही है तो लेकिन भोजन कितनी जो है वो दूर है। स्टार्ट आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, यानी लगभग 1 घंटा चलने के पश्चात दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जो है रुकते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रीड, और वेलू ने धीरे से पढ़ा, श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सैड ग्रूम जे वी विनयन विनयगन ब्रिज, और फूलों से बड़े अक्षर में लिखा था दुल्ला जे वी विनयगन और दुल्लन रानी, ब्राइट रानी। वेलू वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बाहर खड़ी कारों को देखा। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, माला, एंड रोज टेप्ड ऑन इट, यानी एक कार पर फूलों की मालाएं, गार्लैंड मालाएं और गुलाब टेप से चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और उसने जो झटपट एक जो है उसमें से फूल जो उतार लिया। एंड स्टैक इन हर हेयर, और अपने बालों में जो है उसे लगा लिया। कम ऑन सी शेड, और उसने जो है कहा कि आओ चलें, वह बोली।
आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं, आस्क्ड वेलू। वेलू ने उससे जो है पूछा, लुकिंग एट द हग हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उसने अंदर के लोगों को देखते हुए और उसे इस आशा से उसने जो है पूछा, होप्स आशा के साथ, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब। और उसने जो है, लड़की ने उठा अपने नाक के नीचे उलाते हुए उसे उस आशा के साथ का, शेकिंग हर थंब, अपना अंगूठा अंडर हिज नोज, अपनी नाक के पीछे जो है, सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। और वह उसे हॉल के पीछे कचरे से भरे कूड़ेदान के पास जो है ले जाती है। देयर वाज ए बिग गैरबेज, बड़ा बड़ा कचरा है वो, बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। और जो है वो पीछे जो हॉल के पीछे जो है बहुत बड़े कचरे के पास जो है ढेर के पास ले जाती है। और वहां जो है टू गोट्स यानी दो बकरियां, वर स्टैंडिंग, दो बकरियां खड़ी होती है ऑन द पाइल, और दो बकरियां उस ढेर पर खड़ी होती है और जो है फाइटिंग और लड़ रही होती है, फॉर ए बनाना लीफ, एक केले की पत्ती के लिए वो दोनों बकरियां आपस में झगड़ रही होती है। उस कूड़े कचरे के पास वेलू को ले जाते हैं पीछे हॉल के, जहां पर दो बकरियां जो कूड़े कचरे पर जो है एक केले के पत्ते के लिए झगड़ रही होती है। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, मक्खियों का झुंड उनकी टांगों के चारों ओर भिन्न बना रहा होता है, यानी बहुत सारी मक्खियां होती है कूड़े कचरे पर वहां बज्ड और भिन्न बना रही होती है, अराउंड देयर लेग्स, उनकी टांगों के आसपास। देयर वॉज ए रोटन स्मेल, रोटन मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ, स्मेल इन द एयर, हवा के अंदर, वायु के अंदर सड़ने गलने की जो है दुर्गंध थी। और जो है द गर्ल पिकड अप ए स्क्वेशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, लड़की ने जो गुदगुदा केला यानी जो मथा हुआ केला सा, जो मसला हुआ केला सा उठाया और उसे जो है वेलू के सामने कर दिया और वो कहती है हेयर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा भोजन। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू जो है हैरान हो गया, चकित हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, और वो कहता है कि क्या हम इनकी झूठन खाएंगे, क्या हम इनकी झूठन खाएंगे। छे, तुम मुझे क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक, क्या समझते हो, आई एम, मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या समझते हो, ए डॉग, एक कुत्ता समझते हो, क्या मैं झूठा खाऊंगा। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो केवल जो है अनछुआ, अनटच्ड मतलब बिना छुआ झूठन नहीं खाता, मैं अनछुआ भोजन खाता हूँ। हे आर सम मोर, यह लो कुछ और पकड़ो, कैच पकड़ो, सी थ्रू हिम ए वड़ा, और वो उसकी तरफ जो है एक वड़ा फेंकती है। वेल्यू लुकड एट इट विद डिस्टेस्ट, और जो है वेलू ने उसकी ओर जो है घृणा से तरफ जो है वो देखती है, जैसा चित्र के अंदर भी दिखाया गया है, चित्र के अंदर ऐसा है। कैमोन हीरो ईट इट, वो कहती है कि चलो हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या तुम समझते हो कि यह मुझे अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध जो है कर दूंगी। डोंट थिंक, डोंट थिंक मतलब ऐसा समझो, आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, यह ना सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। वेलू भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, और वो कहती है कि जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होते तब तक यही अच्छा है कि तुम्हें जो जो मिले वो खा लो। वेलू हेजिटेटेड, और वेलू जो है वो झिझकता है, वो हैरान होता है। बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसको उस पेट से उसका जो है पेट भरोड़ रहा है, ही ग्लैप्ड, और वो निगल जाता है, झट से निगल जाता है। और डाउन बनाना केला एंड वड़ा दोनों चीजें, वो स्टोमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, और उसका जो है पेट जो है वो पहले से जो है ठीक हो जाता है। ही कुड हैव बीन ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर, और उसने जो है कम से कम 10 गुना और खा सकता था, परंतु जो है बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना वी सी इट हरसेल्फ, लेकिन जो है केवल एक और केला मिला तो उसे खा लेगा। इसका नेक्स्ट